की मेन बुलेवार्ड है, वहाँ के जो प्लॉट्स होंगे कमर्शियल होंगे या रेजिडेंशियल होंगे वो ये मेन बुलेवार्ड पे आ गए हम। ये एक और चौक बनता है यहाँ पे जो बोगनवेला और मैग्नोलिया को कनेक्ट करेगा। ये देखें, ये मैग्नोलिया की डेवलपमेंट है जी। काम यहाँ पे भी बड़ी एक अच्छी पेस से जारी है। इनकी भी मैं बात करूं तो जो मुझे लग रहा है ये एक साल में जो है ना टन टन रेडी होंगे इंशाल्लाह। रेडी पड़े हुए हैं, बल्कि देखें ना आप, ये साल बहुत ज़्यादा मैंने टाइम बता दिया, ये ऑलमोस्ट रेडी पड़े हुए हैं। बट फिर भी ये सेकंड बैलेट के हैं और इनके ऊपर भी पोजीशन लेटर्स। ये सारा मैग्नोलिया हम क्रॉस कर रहे हैं। मैग्नोलिया में बता दूं कि फर्स्ट बैलेट में जो कटिंग आई थी उनको भी पोजीशन लेटर्स मिल चुके हैं। बहुत खूबसूरत ब्लॉक है ये भी, आपको शायद वीडियो में भी अंदाज़ा हो रहा होगा, मतलब देखने से भी मुझे पता चल रहा है कि यार ये वो देखें, ये आपके पोजीशन लेटर वाले सारे जो है ना प्लॉट पड़े हुए मैग्नोलिया के। रेडी हैं बिल्कुल, फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर के जो प्लॉट हैं ये रेडी पड़े हुए हैं। प्राइसेस की हम बात करें, ये सेम एज़ोलियंडर, रोज और डैफोडिल या लिली, ये ऑलमोस्ट बराबर है। देखिए अब ऐसा ऐसा हम हाइट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए। अच्छा, ये अभी हम आ गए हैं जी रोज़ ब्लॉक, और ये रोज़ ब्लॉक की सेकंड बैलेट है। ये रोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बुलेवार्ड का भी बुलेवार्ड है, ये वो मेन रोड है जो आपके ब्रिज को कनेक्ट करेगी थ्रू आउट। मतलब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से पकड़ेंगे DHA फेज 6 और फेज 6 से आप सीधा DHA वैली, ये वो सड़क है। 80 फीट शायद ये एक साइड पे, 80 फीट उस साइड पे है। एक मैसिव बड़ी रोड है, अच्छी रोड है, और ये इस साइड पे आपकी ये जो है ना रोज़ की सेकंड बैलेट पड़ी हुई है। सेकंड बैलेट के रेट्स आपको बता दूं तकरीबन इनके भी 50 लाख रुपए विद ऑल ड्यूज क्लियर। ये राइट साइड पे रोज है और रोज की सेकंड बैलेट का एरिया है। ये फर्क होता है हमेशा बैलेटिंग का, फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट में देखें डेवलपमेंट का फर्क है, लोकेशन का फर्क है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पैसों का फर्क है। ये है जी रोज का फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर, ये देखें। कई प्लॉट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक पोजीशन लेटर नहीं मिले हुए, लेकिन उनको भी मिल जाएंगे, वो भी यहीं पे ही है। ये शायद कमर्शियल है इस साइड पे। मशीनरी बहुत ज़्यादा मशीनरी है जी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मशीनरी जगह जगह पे इनके जो है ना, क्योंकि आज संडे है इसलिए आज इतनी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है मशीनरी की। बट जिस दिन आप रूटीन डेज़ में आएँ और इतनी मूवमेंट होती है कि ये सारी इन्होंने धूल धूल की होती है, सारा DHA वैली में इस तरह से होता है कि बिल्कुल वाइट हुआ होता है। ये देखें, ये आपके रोज़ के प्लॉट्स हैं, शायद इधर इलेक्ट्रिक बॉक्सेस नहीं हैं जिन उनके बाहर, तो शायद उनके अभी पोजीशन लेटर्स नहीं मिले हुए, यही डिफरेंस है बस। ये बगैर पोजीशन लेटर का एरिया है।